नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को हटा दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जी हाँ, राज्यसभा में अमित शाह ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को भी पेश किया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है? आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश राज्यों का संघ है। भारत में अब तक 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अब भारत में 7 नहीं बल्कि 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, क्योंकि संसद की लोकसभा में पारित हुए नए बिल के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अब नई सूची के मुताबिक देश में 7 नहीं बल्कि 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये हैं वो 9 केंद्र शासित प्रदेश: अंडमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, पौंडिचेरी, दमन और द्वीप, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ हम आपको बता दें कि क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश और क्या होते हैं इनके मायने। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। अब सवाल उठता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए हैं? इसका कोई स्पष्ट एक कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं कि छोटे आकार का क्षेत्र और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, अलग संस्कृति, प्रशासनिक महत्व आदि तत्वों की सुरक्षा के लिए ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।